रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माउन, माउन का मतलब है, माउन का रूट वर्ड है आइन वाव नून। आउन आउन का मतलब होता है हेल्प और माउन का मतलब होता है मदद करने की चीजें, और ऐसी चीजें जो बहुत मामूली हो। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को माउन नहीं कहा जाता, बहुत मामूली सी चीजों को कहा जाता है माउन, छोटी छोटी स्मॉल काइंडनेस। ठीक है। अच्छा, अभी सूरह का नाम सूरह माउन क्यों रखा गया है? क्योंकि इस सूरह की आयत नंबर 7 में इस लफ्ज का ये लफ्ज आया, तो इसीलिए इसका नाम सूरह माउन रखा है अलामत के तौर पर। और इस सूरह, ये सूरह मक्की है, हिजरत से पहले नाजिल हुई है और इसमें 7 आयतें 1 रुकू है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम वर्ड टू वर्ड कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। अदरवाइज हम पहले यूं कर लेना, पहले इसका पसे मंजर बता देते हैं। देखिए, अब ये जो था मक्का, मक्का में क्या था कि देखिए काबा यही है, कुछ यही है, लोग नमाजें भी पढ़ते हैं, लोग तवाफ भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ठीक है। मुशरिकान मक्का भी तवाफ कर रहे हैं, सारा मतलब इबादतें हैं, उनको पता है इबादत भी है, लेकिन इबादतों की शक्ल भी बिगड़ गई, इखलाकी पस्तियां आ गई, मतलब उनके अंदर बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आए कि ये लोग बहुत निचले निचले दर्जे में पहुंच गए। लूट खसोट और ये सारा कुछ, फिर तिजारती काफले लूट लेना, ये सब कुछ करना, और इस हद तक बढ़ गए कि छोटी छोटी चीजें भी ये लोग क्या करने लगे, छोटी छोटी मामूली के इतने इखलाक पस्त हो गए। देखिए, ऐसा नहीं था कि इनके अंदर वैल्यूज नहीं थी या इनके अंदर इखलाकियात नहीं थी, बहुत अच्छे ऊंचे इखलाक थे एक जमाने में, लेकिन वो होता है ना कि कुछ कदरें कम होती जाती हैं, होते 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 उसकी शक्लें बिगड़ जाती हैं। अब वो इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इस सूरे में वो बताया गया है कि अगर कोई शख्स ये इखलाकी पस्तियां कब आती हैं, यानी इंसान का किरदार कब बिगड़ता है, इंसान कब गुमराही की तरफ ज्यादा जाता है, कब लोगों से मतलब जो एक इंसानियत वाला नाता है वो भी नहीं रखता, वो कब मामला होता है, जब इंसान आखिरत को झुठला देता है। यानी कि जिसको ये यकीन ना हो कि कुछ अकाउंटेबिलिटी है, मुझे कोई हिसाब किताब देना है, मुझसे भी कुछ सवाल होगा, तो क्या होता है, फिर वो ये सारी चीजों की फिक्र नहीं करता। यानी कि अब दुनिया क्या है, ऐशो इशरत के लिए मजे करो, मरना तो है, मरने के बाद क्या है, और हमने कौन सा किसको जवाब देना है, तो क्या है, अपनी जिंदगी को बिल्कुल फुल एंजॉयमेंट और पूरे मजे से जियो, किसी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो जो मामला नफसी नफसी का वहां होने वाला रहता है, जो जजा सजा के दिन होना है, जब वो उस चीज को मानते ही नहीं, तो ये दुनिया में ही क्या है कि बस अपना अपना अपना, अपने बारे में सोचो, अपने आप को क्या करो, अपडेट्स करते रहो, दूसरों का कोई ख्याल मत करो। तो जिन लोगों के साथ ये मामला हो जाए कि वो आखरत को नहीं मानते, जो आखरत को झुटला देते हैं, जो जजा सजा के दिनों को झुटला देते हैं, तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, और फिर उनकी क्या होती है, कदरें गिर जाती हैं, और फिर मतलब फिर वो जो चाहे करते फिर हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हमसे तो कोई सवाल ही नहीं होना है, तो फिर वो जो करते हैं, जो दिल करता है वो करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि अगर एक शख्स आखरत के दिन को झुटला दे, हिसाब किताब के दिन को झुठला दे, तो फिर वो उसका कैरेक्टर कैसा बनेगा। वो शख्स जो अल्लाह की मुलाकात को झुठला देता है, वो कैरेक्टर वाइज, बिहेवियर वाइज, और उसकी जो किरदार है, उसका जो इखलाक है, वो कैसा होगा, वो इस सूरे में बता। अरअयता अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयता, अरअ क्या, ये क्या है, हर्फे इस्तफ़हाम है, एम्फेटिक, सॉरी, आई एम सो सॉरी, हर्फ इस्तफाम, यानी के इंटरोगेटिव आर्टिकल है, अ क्या, रा यानी टू सी, देखना, क्या देखा, ता आपने, ठीक है, ता ती और ता साकिन और ता पेश का आप लोग डिफरेंस जानते हैं, राइट, एक तू होता है और एक ता साकिन होता है। ठीक है। ता साकिन मतलब होता है शी, वो एक औरत, ता यानी आप एक मर्द, ती यानी आप एक औरत, और तू यानी मैं। ठीक है। हम कहते हैं अन अमता अलैहिम, तूने नाजिल किया, तूने इनाम किया। ठीक है। तो
जहां पर ता आता है यानी कि तूने, तो यहाँ पर ये ता आ रहा है कि आपने, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, इसीलिए हम आप कह रहे हैं। अरअयता, क्या आपने देखा, अल्लजी, उसे, उस शख्स को जिसने, युकज़िबू, कज़बा युकज़िबू, काफ दाल बा, कज़िब का मतलब होता है लाए, टू लाए यानी झुटलाना। अब यहाँ पर कहा जा रहा है युकज़िबू यानी उसने झुटलाया, और ऐसा झुटलाया कि हमेशा के लिए झुटला दिया। युकज़िबू दाल के ऊपर शद है, तशदीद है, जहां तशदीद आती है वहां एम्फेसिस होता है, यानी वहां पर ताकीद होती है, वहां पर जोर पैदा किया गया होता है कि वो झुटलाता है और बार बार झुटलाता है। किस चीज को? बिद्दीन, बी को, अदीन, दीन। अब देखिए दीन जो है ना, इसके तीन तर्जुमे होते हैं, दीन के तीन तर्जुमे हैं। एक तर्जुमा दीन का जो हम जनरली कहते हैं दीन यानी रिलीजन, मजहब। एक तर्जुमा दीन का होता है वे, तरीका, और एक तर्जुमा दीन का होता है जजा सजा यानी हिसाब किताब। तो दीन यहाँ पर जो लिया गया है वो हिसाब किताब को लिया गया है। क्या देखा आपने, हम जूम कर लेते हैं, आप लोगों को अगर नहीं दिखाई दे रहा तो प्लीज जूम कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयता, क्या देखा आपने उस शख्स को, वो झुटलाता है, बिद्दीन, हिसाब किताब के दिन को, हिसाब किताब को, ठीक है, यानी वो शख्स जिसने अकाउंटेबिलिटी के दिन को और हिसाब किताब के दिन को झुटला दिया, अब क्या करेगा वो? फज़ालिका लज़ी यदुल यतीम। अब उसका देखे किरदार बताया जा रहा है कि जिसको ये पता है, देखें जो स्टूडेंट होते हैं, अब जो हमारे उसमें पैटर्न चल गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको 8 तक कोई फेल नहीं कर सकता। 8 स्टैंडर्ड तक टीचर्स को, सारे टीचर्स को ताकीद दे दी गई है कि आपको इन सारे बच्चों को पास कर देना है। स्टैंडर्ड 8 तक वो बच्चे, उनको कोई फिक्र ही नहीं है कि हम पढ़ें ना पढ़ें, कुछ तो होने वाला नहीं, हम तो पास होके नेक्स्ट क्लास में जाने ही वाले। अब जब वो बच्चे 9th स्टैंडर्ड में आते हैं तो वो फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो पढ़ाई करते ही नहीं थे, उनको आदत ही नहीं थी पढ़ाई करने की, क्योंकि वो पास होते चले जा रहे थे। अब क्या हुआ कि जब सामने वो दिन आ गया ना, हिसाब किताब का दिन आ गया, अब क्या हो गए, वहां जाकर फेल हो गए। तो अल्लाह सुबहान व तआला क्या कह रहे हैं कि क्या देखा आपने उस शख्स को, वो झुटलाता है दीन को, दीन हिसाब किताब को, जजमेंट को, यानी के जो जजा सजा को। फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, फिर जालिका यही, अल्लज़ी वो शख्स है जिसने, यदुल यतीम या वो, दाल आइन आइन दाउ, धक्का देता है, अल यतीम, यतीम को, वो यतीम को धक्के देगा। क्यों? वो क्यों किसी यतीम के ऊपर हाथ फेरे, या वो क्यों किसी यतीम के लिए कोई मतलब फेवर करे जब उसे उसका कोई उसकी कोई सिलाई नहीं मिलने वाला है? क्योंकि उसने दीन को झुटला दिया, आखिरत के दिन को झुटला दिया। तो जिस इंसान का ईमान होगा कि वो मरने के बाद उस पर कोई, उसको जजा मिलेगी, उसको कोई रिवॉर्ड मिलेंगे, उसको इनामात मिलेंगे, तब तो वो कुछ करे। लेकिन जब उसे पता है कि मैं दुनिया में जी रहा हूँ और मुझे सिर्फ अफलाक जो है यही मिटा सकती है, उसके बाद तो फिर एक बार मिट्टी में चले गए तो सब कुछ खत्म है, तो हम क्यों बिला वजह में अपने आप को थकाएं किसी यतीम के पीछे या किसी मिस्कीन के पीछे? हम क्यों इन गरीबों के मसीहा बनते फिरें जब हमें कोई इसका रिवॉर्ड ही नहीं मिलने वाला? ठीक है, तो इन्होंने तो आखिरत के दिन को झुटला दिया है, अब वो यतीमों की क्यों क्या करें, उनके सरों पर हाथ फिराएं या उनके लिए कोई फेवर का काम करें? वो क्या करेंगे? वो तो यही करेंगे, यतीमों को धक्के देते हैं, यानी उनको कोई इज्जत, उनकी कोई एहतराम, उनकी तकरीम नहीं है, क्योंकि वो यतीम है और हमारा क्या लेना देना ऐसे यतीमों से? ठीक है, फिर उनका किरदार बताया गया कि वो क्या करते हैं, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, वो और ला नहीं, यहुद्दु या वो, हद्दा या हुद्दू का मतलब होता है उभारना किसी को, टू फील अर्ज, मतलब किसी चीज के तरफ ये काम करो, तलकीन करना, तरगीब देना, उसको यहुद्दू कहा जाता है, हद्दा या हुद्दू, और नहीं वो
उभारते नहीं, वो तरगीब देते नहीं, वो तलकीन करते नहीं, वो मतलब लोगों को नसीहत करते किस चीज की, अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने पर, यानी मिस्कीनों को खाना खिलाओ ऐसा किसी को भी नहीं कहते। अब वो क्योंकि अगर हमने किसी को कह दिया तो पलट के वो भी कह देगा कि भाई तुम क्यों नहीं खिलाते, तो खुद तो खिलाते नहीं है ना, दूसरों को कहते कि तुम खिलाओ, ला यहुदू नहीं, वो दूसरों को भी नहीं उभारते ना दूसरों से कहते, क्योंकि अगर उसने हमें हमें उल्टा जवाब दे दिया कि हमसे क्यों कह रहे हो, जाओ खुद खिला लो, तब हम क्या करेंगे, तो वो ना खुद खिलाते हैं ना दूसरों को इस चीज पर उभारते हैं। फिर फवैलुल लिल मुसल्लीन, फिर वैल, वैल है, वैल क्या है, एक तो जहन्नम की वादी है जो सबसे मतलब उसकी जो आग है उसकी शिद्दत इतनी है कि बाकी जहन्नम के हिस्से इस वैल से पना मांगते हैं। जहन्नम की एक वादी का नाम भी वैल है, ठीक है। दूसरा वैल का मतलब है खराबी, वो यानी खराबी है। लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन सलाह, स्वाद लाम वाओ इसका रूट वर्ड है सलू, सलू यानी नमाजे, ईना प्लूरल के लिए आ रहा है, ऊना ईना आता है तो प्लूरल के लिए मुसल्ली कहा जाता है नमाज पढ़ने वाले को, मुसल्ली और मुसल्लीना प्लूरल हो गया, तो मुसल्लीना नमाज पढ़ने वालों के लिए खराबी है या वैल है या जहन्नम की वादी है। अब नमाज पढ़ने वालों के लिए कैसे खराबी हो सकती है, अब देखिए उस दौर में तो क्या हुआ था कि उन्होंने तो बिल्कुल शक्लें ही बिगाड़ दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्मत ने इतना वो नहीं किया है, बिगाड़ा नहीं है शक्लों को नमाज की, लेकिन रूह खत्म हो गई नमाज की। क्या हुआ कि जो खुशु खुजू होता है, जो वक्त की पाबंदी होती है, जो कयाम होता है, मतलब के एक जो सजदे और रुकू होते हैं, उनके अंदर की जो हक्कानियत है, जो उनकी रूह है, वो निकल गई। सिर्फ ऊपर का क्या हो गया, रह गई रस्म अज़ा, रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, वो मामला हो गया कि जो अंदर अंदर होती है ना, जो किसी भी चीज का असेंस होता है वो निकल गया। इबादतें तो हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन वो जहन कहीं और है, कहीं किसी चीज में लगा हुआ है, हमारा दिलो दिमाग उस जगह पर ही मौजूद नहीं है जब हम नमाजें पढ़ रहे हैं। फिर इसके अंदर बहुत सारे तर्जुमे, ये उनके दौर में इसलिए नाजिल हुई थी कि उन्होंने तो बिल्कुल नमाज की शक्ल को इतना बिगाड़ दिया था कि मतलब इबादत, वो बाकायदा तालियां बजाते थे, समझते थे हम नमाज पढ़ रहे हैं और सीटियां बजाते थे। ये सारी बातें आई हैं ना, सीरत में भी आएंगी कि तालियां बजा रहे हैं, सीटियां बजा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम इबादतें कर रहे हैं, हम बहुत नेक काम कर रहे हैं। यहाँ तक के इस हद को पहुंच गए ये लोग कि काबे का तवाफ तक बरहना करना शुरू कर दिया, यानी फुली नेकेड, यानी मादरजाद बरहना ये लोग काबे का तवाफ करते थे और ये कहते थे कि यही नेकी है। क्यों? क्योंकि जैसे पैदा हुए थे उस काबे के रब के सामने भी क्या करो, वैसे ही आ जाओ जैसे कि हम इस दुनिया में आए थे, तो अल्लाह से क्या पर्दा है, तो वो सारे के सारे लोग तवाफ किया करते थे बरहना होकर, नऊज़ु बिल्लाह। तो इन्होंने तो इबादतों की शक्लें बिगाड़ दी थी, तो खासकर ये खुसूसन ये उन लोगों के लिए फवैलुल मुसल्लीन जिन्होंने नमाजों की शक्लें बिगाड़ दी। लेकिन आज के दौर में देखा जाए जब इंसान का नमाजें तो पढ़े, लेकिन नमाजों में आपने वो सुनी होगी हदीस कि कुछ लोग नमाजें ऐसे करते हैं जैसे पैकिंग वो कर रहे हैं, जैसे ठोंगे मार रहे हैं, जैसे कौवा ठोंग मारता है ना कोई भी चीज खाने के लिए, किस तरीके से अपनी चोंच मारता है, वैसे ये सजदे करते हैं, सजदों की। अल्लाह ने क्या फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि सबसे बदतरीन चोरी कौन सी है, नमाजों की चोरी है, है ना। अब सहाबा करम परेशान हो गए कि भाई कौन सी होती है ये चोरी, नमाज में कौन सी चोरी होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि रुकू और सजदे में क्या करना, ठोंगे मारना जल्दी जल्दी से, मतलब अभी तक तीन मर्तबा पूरा भी नहीं हुआ और रुकू और सजदे खत्म हो गए, तो ये जो है नमाजों की चोरी है, और ये जो चोर है ये सबसे बदतरीन चोर है जो नमाजों की चोरी करता है, ठीक है। तो यहाँ लोग नमाजों में भी चोरी करते हैं, तो इबादतों में क्या कर दिए, इबादतों के जो खुशु और खुजू है, यानी कि जो उसका सेंस है, जो उसकी रूह है, वो खत्म कर दी है। तो और फिर इसके अंदर और भी क्या बातें आती हैं कि जैसे नमाज में
वक्त की पाबंदी ना करना, उसको उसके वक्त पर अदा ना करना, या फिर हमेशा ही क्या करना, उसको देर से पढ़ने का मामूल बना लेना, अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश भी ना करना, और फिर नमाजों में इतनी जल्दी करना कि वो पढ़ने वाले शख्स को ना समझ आए। फिर ये जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता ही ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो वो सारी बातें भी नहीं पता है। तो ये सारी चीजें क्या है, नमाजों की खराबी। ठीक है, तो फवैलुल मुसल्लीन खराबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाजें पढ़ते हैं लेकिन नमाजों का हक अदा नहीं कर रहे हैं, ना उसके अंदर रूह है नमाज में, बस एक जो मैकेनिकल सी इबादत होती है कि हमें पता है कि अब ये जो जबान पर रटी हुई है सूरह फातिहा और जो है उसके बाद कुल पढ़ना है, वो चार कुल पढ़ लेने हैं और वो सारा वो तो रटा हुआ है, सुभान रब्बी अल अजीम सुभान रब्बी अल आला, वो रटा हुआ है, कोई दिमाग ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वही चीज पढ़े जा रहे हैं दिन रात सुबह शाम, एक ही चीज पढ़ रहे हैं, तो वो तो जबान पर ऐसी चढ़ गई हुई है कि हमारा जहन ही नहीं उस तरफ जाता। तो फवैलुल मुसल्लीन, वैल है, खराबी है ऐसे नमाजों के लिए, नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अब कौन से नमाजी जिनके लिए खराबी है, यहाँ पर लाम अलिफ ला आ रहा है, यानी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है। जब भी आयत के ऊपर ला आ जाए तो अब आपने आयत को कंटिन्यू करना है, यानी अभी बात रहती है, यहाँ पर बात मुकम्मल नहीं हुई है, मफहूम जो है पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बताया कौन से नमाजी हैं जिनके लिए खराबी है, अल्लज़ीना, वो लोग जो, अब ये क्या इसमें मौसूल है ना, इसमें मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये देखे दो सेंटेंसेस को जोड़ने का, दो लफ्जों को या दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का, रिलेट करने का काम करता है। अल्लज़ीना वो लोग जो, हम वो सब, अन सलातिहिम अपनी सलात, उनकी नमाज अपनी नमाजों के बारे में या अपनी नमाजों से क्या है, साहून, साहून ऊना इना, साहून कहा जाता है गाफिल, गफलत बरतना यानी इग्नोरेंट नेग्लिजेंट, अपनी नमाजों से क्या है, बिल्कुल गाफिल है, यानी उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं या खाली क्या कर रहे हैं, एक मैकेनिकल सी नाम के तौर पर इबादतें कर रहे हैं। तो ये क्या है, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, साहून का जो रूट वर्ड है सीन हमजा, सीन हा वाव, सहू, आपने सुना है ना सजदा सहू, सहू क्या होता है, जब हम गलती से गफलत में नमाज में कोई गलती कर देते हैं तो क्या कर देते हैं, फिर उसके लिए सजदा सहू, यानी कि जो हमने गफलत बरती नमाज में तो उसके करेक्शन के लिए सजदा किया जाता है। तो ये वही रूट वर्ड है साहून, गफलत बरतना, अपनी नमाजों में गाफिल हो जाना, तो ये है साहून। अच्छा, अब इसमें जानबूझ के जो नमाजों से गफलत बरतते हैं ना, हमदन जो करते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो जानबूझकर करते हैं ना, इससे मुराद वो लोग हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं है, या पहले पढ़ते रहते हैं फिर सुस्त हो जाते हैं, नमाज को इसके अपने मसनून वक्त पर नहीं पढ़ते, ठीक है, और जब जी चाहता है तब पढ़ लेते हैं, या ऐसा होता है कि कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, जुमा पढ़ ली ऐसे कभी पढ़ ली कोई, या साल में एक मरतबा ईद की पढ़ ली कोई, कोई वो कहते हैं ना, वो क्या है वो वो जो है ना कहावत, कि आप आठ वाले हैं या साठ, आप आठ वाले हैं या 360 वाले हैं, यानी कि आठ वाले यानी जो लोग आठ आठ दिन में नमाजें पढ़ते हैं यानी जुम्मा टू जुम्मा, और 360 वाले ईद ईद में नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि जो मतलब नमाजों को कोई वैल्यू ही नहीं देते, लेकिन है वो मुसलमान, यानी क्या है फिर, सिर्फ नाम के मुसलमान हो गए ना, यानी कि जो शख्स नमाज ही ना पढ़े, क्योंकि सहाबा किराम क्या कहते हैं कि हम पहचानने ही इससे नमाज के जरिए से ही हम पहचाना करते थे कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर, यानी कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा था वो डेफिनेटली काफिर होगा और जो नमाज पढ़ रहा है तो वो ईमान वाला होगा। अब ये नहीं पता कि उसके दिल में ईमान कितना है, लेकिन असल जो ऊपर की जाहिरी पहचान है हम नमाज से ही किया करते थे। तो साहबा, और इसीलिए ना मोमिन और काफिर के बीच में किस चीज का फर्क है, नमाज का फर्क है। तो यहाँ पर जो लोग नमाजें ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हम क्या हैं, मुसलमान हैं, तो बगैर नमाजों के मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपनी नमाजों से गफलत बरतना, अपनी नमाजों के अंदर क्या करना, और फिर या तो वो कभी कभी पढ़ते ही नहीं,
या जब दिल चाहे तब पढ़ लेते हैं, जब दिल किया छोड़ देते हैं, या नमाजों में बहुत ताखीर करते हैं और नमाजों की ताखीर को अपना मामूली बना लें, या फिर उसके खुशू खुजू निकल जाए उनकी नमाजों से, या ये सारे ही मफहूम अगर मिल जाए उसमें, तो सब का सब इसी साहून को वो करता है, डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि नमाज की जो कोताहियां हैं इसी को कहा गया है कि नमाजों से क्या करते हैं, गफलत बरतते हैं, ठीक है। तो नमाज ऐसे लोगों के लिए खराबी है जो अपनी नमाजों से क्या करते हैं, साहून गफलत बरतते हैं, गाफिल हो गए हैं, और इन्हें कोई खबर ही नहीं है कि हमारी नमाजों का क्या मतलब। अल्लाह सुबहाना ताला ने सबसे पहले सवाल तो नमाज ही का करना है, और उसी से ये गफलत में पड़े हुए हैं। अल्लज़ीना हुम युराउन, अब देखो उनकी दूसरी तीसरी खसलत बताई जा रही है, क्या अल्लज़ीना, अब बात अभी भी मुकम्मल नहीं हुई है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, तो वैल है नमाजियों के लिए, फिर वैल है ऐसे लोगों के लिए जो नमाजों से गफलत बरतते हैं, फिर वैल है उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना वो लोग जो हम, वो जो वैल वर्ड है ना वो कॉमन है लास्ट तक सबके लिए, ऐसा होता है ना मैथ्स में जो टर्म्स लिखते हैं ब्रैकेट के बाहर एक वर्ड लिख देते हैं और ब्रैकेट के अंदर जितनी चीजें आती हैं सब के सब उससे जरब खा रही होती है ना, उससे मल्टीप्लाई हो रही होती है, बिल्कुल ऐसे ये वैल जो लफ्ज आया है ऊपर की तरफ, वो ऊपर की जानेब आने वाला जो लफ्ज है वैल, वो सबके लिए कॉमन है, जितनी भी नीचे तक आयतें आ रही है तमाम के लिए। वैलुल मुसल्लीन, तो वैल है नमाजियों के लिए, फिर वैल है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, फिर वैल है अल्लज़ीना हुम युराउन, वो लोग जो, अल्लज़ीना वो लोग जो, हुम वो सब, युराउन रा, अभी हमने अरा में रा पढ़ा, युराउन वो सब दिखावे के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, अमल करते हैं। नमाजें कब पढ़ते हैं, कोई देख रहा है, कोई नमाजी आ गया हमारे घर में, कोई मेहमान ऐसा आया जो नमाज पढ़ता है, तो हमने भी पढ़नी पड़ेगी भाई, वरना वो क्या कहेगा कि नमाज ही नहीं पढ़ते। यानी कि दिखा, कोई अमल कर रहा है, कोई सदका कर रहा है, तो दिखाने के लिए अपने जेब में भी हाथ डाल दिया कि वो तो दे रहा है तो अब मुझे भी करना पड़ेगा क्योंकि वो कर रहा है, ठीक है। तो जो जो भी काम करते हैं कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, रियाकारी के लिए करते हैं, राउन रियाकारी के लिए वो अपने तमाम कामों को करते हैं। यानी कि देखे आखिरत के दिन को झुटला दिया ना, अब बदला किससे चाहेगा, वो इंसानों से चाहेगा, जिसके दिल में अल्लाह की मुलाकात का क्या होगा, शौक होगा, या वो जानता होगा कि मुझे अल्लाह से मिलना है, तो फिर वो अजर भी किससे तलब करेगा, अल्लाह से। अब वो जिसके दिल में यही बात नहीं है कि उसको अल्लाह से मुलाकात करना है या आखिरत का कोई दिन आने वाला है, तो फिर वो लोगों से ही अजर तलब करेगा, वो लोगों से ही चाहेगा कि उसकी वाहवाही हो जाए, लोग तारीफ कर दें और उसकी बड़ाई बयान कर दें, तो वो क्या करेगा, दिखावे के लिए क्या करेगा, सारा अमल उसका दिखावे पर मुनस्सिर होगा कि लोग, फिर मैं जो कर लूं फिर मेरा नाम अखबार में भी आ जाए, लोग सोशल मीडिया पर भी शेयर करें और सारे लोग मुझे पहचाने भी कि मैंने ये सारा कुछ काम किया है। तो वो तमाम काम क्यों करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए, शो ऑफ के लिए। तो ये रियाकारी, इसका रूट वर्ड है रा हमजा या, रा वो जो अरायता आया था उसका भी रूट वर्ड रा हमजा या है। फिर आखिरी उनकी खराबी बताई है कि इतनी अखलाकी पस्तियों की इनकी हद हो गई कि इन्होंने सारे मतलब जो कलम थे ना वो पस्तियों के वो सारे तोड़ दिए। क्या किया, वयमनाउनल माउन, व और या वो वाउनून सब मीम नून ऐन, मना करते हैं, रोक लेते हैं, नहीं करते क्या, माउन ऐन वाउ नून औन मदद, किससे, माउन से, यानी छोटी छोटी बरतने की चीजें, किसी के चूल्हे में अगर आंख खत्म हो गई, अगर वो चिंगारी का एक वो कोयला मांग ले तो वो मना कर दे कि हमारे पास नहीं है, कोई किसी से नमक मांगने आ जाए तो वो मना कर दे कि हमारे घर में नहीं है, सुई धागा मांगने आ जाए वो मना कर दे। यानी इखलाकियात इतनी गिर गई, इतने डाउन हो गए या अपने उसमें किरदारों में कि इनको ये छोटी छोटी चीजें देना भी बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ तोड़ना जैसे लगने लगा। यानी कि हम कितने बड़े बड़े लोगों पर एहसान कर रहे हैं, अगर हम किसी को नमक दे दें, मिर्ची दे दें, हल्दी वो सब दे दें, जो घर की बरतने की इस्तेमाल की चीजें हैं छोटी छोटी, उस तक को ये क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं। यानी कि इनका किरदार देखे कि कितना गिर गया है कि ये इतनी मामूली चीजों को भी, लोगों की जरूरियात के ऊपर इन मामूली चीजों को अहमियत दे रहे हैं। यानी कि उनको ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि
इनको आखिरत पर यकीन नहीं है, इनको ये नहीं पता कि आखिरत में इसकी जजा या सजा है, यानी कि जो वो नेकियां करेंगे तो उसका बदला मिलेगा और जो वो बुराइयां करेंगे तो फिर उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। जब इंसान के जहन से ये बात निकल जाए कि वो उसको भी मौत आनी है तो फिर वो बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, सारी दुनियावी प्लानिंग होती है, यानी सब सारी प्लानिंग करता है सिवाय मौत के, क्योंकि उसको ये नहीं खबर कि एक झटका मौत का लगेगा और जो भी सब कुछ किया है, सारा जो ऐश और आराम है, वो मौत के बाद जाकर फिर हाय तौबा मचाएगा कि काश के मैंने एक लम्हा भी क्या किया होता, जाय ना किया होता और सारे जो लम्हात है अल्लाह की याद और उसके जिक्र में लगा दिए होते। तो इंसान वो दिन तो जब ईमान वाले, बड़े बड़े अच्छे ईमान वाले जो जिनकी नेकियां ऐसी होंगी कि वो जन्नतुल फिरदौस में बैठे होंगे, वो भी हसरतें कर रहे होंगे, तो फिर जो कोई अमल ही ना करेगा तो फिर उसके लिए क्या क्या हसरत का दिन होगा, उसकी उसकी हसरतों की क्या इंतहा होगी कि वो तो अपने आप को पीट ले मार ले, अगर मरना मुमकिन होता तो वो अपने आप को मार लेता, इतनी हसरतें होंगी। तो यहाँ पर अल्लाह सुभान व तआला ने उन लोगों की किरदार बता दिए कि जो मौत को झुटला कर बैठते हैं, जो आखिरत को झुटलाए हुए हैं और जिनको ये यकीन ही नहीं है कि अल्लाह से मुलाकात करना है। ठीक है, एक मरतबा हम रिपीट करते हैं, फिर कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। क्या अच्छा, देखा आपने उस शख्स को वो झुटलाता है? जी जी, ये इसमें यमना उन अल माउन में ज़कात बिना देने वालों को आता है, जो ज़कात भी नहीं आता। बिल्कुल सारी, हाँ लेकिन ज़कात तो बहुत बड़ी चीज है ना, ये जो बात है माउन में, माउन बहुत माउन में सिर्फ छोटी चीजों की बात आती है, बहुत जो अच्छा। बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बिल्कुल मामूली सी चीजें को माउन कहा जाता है। ज़कात तो अहम है ना, वो तो निकालना, और फिर ज़कात भी सहाबे इस्तेआत के ऊपर है ना, जो खुद ही मतलब जिसके मतलब उसके पास वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है ना, वो सोना और चांदी का जो क्राइटेरिया है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात भी नहीं है। ये तो उन चीजों की बात है जो हर किसी के पास होती है। नमक किसके घर में नहीं होता, गरीब के जिस तरह ये नेबर वगैरह यहाँ पे अक्सर पाकिस्तान इंडिया यहाँ तो चले, यूके में कम है, नेबर नहीं है। पहले पहले मुझे याद है कि हमारी अम्मियाँ अम्मी हमारी मतलब साथ मल्ले में कोई भी कुछ लेने आए तो देना लाजमी समझते थे कि नहीं दे दे कुछ भी है घर में दे दे, इस तरह का आता है ना। लेकिन अब क्या होता है ना कि अगर कोई चीज खा भी रहे होते ना तो अगर कोई आ गया तो पड़ोसी तो फिर छुपा लेते हैं उसको कि भाई कोई मतलब नजर लग जाएगी या कुछ हो जाएगा। पहले के लोग अगर कुछ बनाया तो फिर उसको बड़ा बड़ा कर अपने पड़ोसियों को भेजा करते थे। लेकिन अब ये देखें, ये तो उन लोगों की बात हो रही थी लेकिन ये हमारे दौर में भी बड़ी आम चीजें हैं, इतनी इतनी मामूली चीजें ना, अगर कोई माचिस की तीली मांगने आ जाए तो उसको तक को मना कर देते हैं लोग, यानी कि इतनी जो मामूली चीज है ना, 2-4-5 रुपए की चीज है, उस उन चीजों को मना कर दिया जाता है। तो अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं कि उन मामूली सी चीजों से भी मदद करने से ये क्या करते हैं, एराज करते हैं जब आखिरत के दिन को भूल जाते हैं। क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं कि जो मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन है ना, जो खैर भी करोगे तुम जर्रे के बराबर, वो भी तुम उसमें उस मीजान में तोला जाएगा, और जो शर भी करोगे जर्रा बराबर वो भी तोला जाएगा। अब जिस शख्स को ये ही नहीं पता कि मीजान भी लगने वाली है, नाप तोल भी होने वाला है, सारा कुछ हमारा हिसाब किताब होने वाला है, जो इससे ही गफलत बरत रहा है तो बाकी सारा तो फिर वो कुछ भी करेगा जो उसका दिल चाहेगा, है ना। फिर वो अल्लाह की मर्जी से थोड़ी चलेगा, वो रसूल के अहकाम पर थोड़ी चलेगा, वो तो कैसे चलेगा, वो तो अपने दिल अपने नफ्स और अपनी हवा के मुताबिक चलेगा। ठीक है, तो अल्लाह को बुला देता है, फिर अल्लाह उसको भी वो चीजें बुलवा देता है, उससे फिर अच्छी काम तो नहीं होगा। जी बिल्कुल। क्या हम रिपीट कर लें एक मर्तबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, अरअयता, क्या देखा आपने, ये जो है ना इसका भी रूट वर्ड यही है, रा हमजा या, ये जो आया था युराउन उसका भी सेम ही रूट वर्ड है, रा हमजा या, रा टू सी देखना, क्या देखा आपने, ता यानी आपने, ठीक है, अल्लज़ी उस शख्स को जो युकज़्ज़िबु वो झुटलाता है, बिद्दीन दीन को, जजा सजा के दिन को, हिसाब किताब के दिन को, जजमेंट को, फज़ालिकल लज़ी यदुल यतीम, तो
ये वही शख्स है जिसने जो धक्के देता है यतीमों को, वला यहुदू और नहीं वो तरगीब करता, नहीं वो तलकीन करता, नहीं वो उभारता किसको, लोगों को, अला तुआमिल मिस्कीन, मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उकसाता नहीं है, लोगों को उभारता नहीं है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, फिर वैल है, खराबी है लिल मुसल्लीन नमाजियों के लिए, नमाजी कौन से वाले, अल्लजीना वो लोग जो हुआ सॉरी हम वो सब, अन सलातिहिम साहून अपनी नमाजों से गफलत बरतते हैं, अपनी नमाजों में गफलतें करते हैं, अपनी नमाजों से नेग्लिजेंट हैं, अल्लजीना हम युराउन और वो लोग जो, अल्लजीना वो लोग जो हम वो सब, युराउन रा दिखाने के लिए सारे काम करते, सारे अमल रियाकारी के लिए करते हैं, वयमनाउन अलमाउन व और मना मना करते हैं, रोक लेते हैं, मना कर देते हैं, यानी किन चीजों को, जो माउन है बहुत छोटी छोटी बरतने की जो चीजें हैं उन तमाम चीजों से ये क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं, यानी अगर उनसे कोई कुछ मांगने आ जाए और वो बहुत मामूली सी चीज हो तो वो उससे भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, उसका भी इनकार कर देते हैं। اللهم لا تجعلنا منهم اللهم ربنا لا تجعلنا منهم اللهم ربنا لا تجعلنا منهم اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں نہ بنا جن کی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ خامیاں بتائی ہیں کہ وہ اپنی نمازوں سے غفلتیں برتتے ہیں اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور وہ دکھاوے کے لیے تمام کام کرتے ہیں اور وہ برتنے کی چیزیں بھی مانگے نہیں دیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو اس کے برعکس ہیں اور جسے اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتا ہے۔ کسی نے کچھ کہنا ہے، پوچھنا ہے، کسی کوئی ورڈ نہیں سمجھ آیا ہو تو پوچھ لیں آپ لوگ۔ میم جی، بھیا منا انل ماون اور وہ عام استعمال کی چیزیں مانگے نہیں دیتے، وہ عام استعمال کی چیزیں، ہاں بالکل مانگنے پر نہیں دیتے، منع کر دیتے ہیں۔ منع یعنی منع کر دینا، ریفیوز ہے نا، منع کر دیتے ہیں مانگنے کی چیزوں کو، منع مطلب ٹو ڈینائے، منع کر۔ میم یہ مشرکان مکہ کے لیے، مطلب ان کے لیے بات ہو رہی ہے یا پھر منافقوں کے لیے بات ہو رہی ہے؟ میم مشرکان مکہ بھی، یہ ایکچولی منافق بھی ہیں اور مشرکان مکہ بھی تھے، یہ سبھی کے لیے بات تھی اور یہ بیسکلی یہ ہمارے لیے بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ سارا کچھ ریفلیکٹ اپنی طرف کریں جی، یہ ساری چیزیں ہم میں نہیں ہونا چاہیے خامیاں، کیونکہ ہم جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہم دین یوم جزا پر ہے نا، جزا سزا کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، تو صرف زبانی یقین نہیں ہونا چاہیے، وہ قولی کے ساتھ ساتھ فعلی بھی یقین ہونا چاہیے، رائٹ؟ اور فعل کیسے ہمیں ثابت کریں گے، وہ یہ جو اخلاقی پستیاں ان لوگوں میں بتائی گئی ہیں تو وہ ہم میں نہیں ہونا چاہیے، تبھی ہم کہہ سکتے کہ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہی سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر وہ ایسا یقین کوئی کام کا نہیں ہے، جو زبانی تو ہے لیکن فعل میں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، یعنی کہ ہم لوگوں کو برتنے کی چیز بھی نہیں مانگے دے رہے ہیں، اپنی نمازوں میں بھی ہماری غفلتیں ہیں، اور پھر ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے تمام عمل کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ سارا کچھ منافقت بھی ہے، اور پھر اللہ یعنی کہ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے ریوارڈ دینے والے کون لوگ ہیں، انسان ہیں، یعنی اجر کون دینے والا ہے، بندے دینے والے، اسی لیے وہ بندے کو دکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ریاکار ہیں، وہ چاہے عالم ہو، چاہے شہید ہو، چاہے کچھ بھی ہو، کتنے بھی بڑی پوسٹ پر ہو، اگر وہ ریاکاری کے لیے اپنی جان بھی دے دے تب بھی وہ جہنم میں جھونکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ویل، اور اس جہنم کی اس وادی میں جو کہ سب سے بدترین، جس کا عذاب ہے ویل، ٹھیک ہے؟ چلے کسی ہوتا ہے، اور یورا تو مزارے ہو گیا نا، یا پھر یرا مطلب دیکھنا، اور یورا مطلب کہ وہ دکھاوا ہو گیا، شو آف، تو دکھاوے بدل گئی نا۔ ہاں ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہاں بالکل ہلاکت ہے، خرابی ہے، جی جی بالکل، سارے یہی ترجمے۔
ये युराउन जो है ना, ये एक्चुअली में पैसिव है, या के ऊपर दमा आ रहा है, ये युराउन यानी पैसिव है कि मेक शो, यानी कि वो दिखाते हैं, दिखलावे के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, दिखलावे के लिए सारा कुछ कर रहे होते हैं बच्चे। ये दिखलावा शिल्प में भी आता है ना, हाँ ना, लोगों से, लोगों को दिखाते हैं। किसमें, किस चीज में? शिर्क होता है ना, शिर्क भी हो जाता है ना इसमें, दिखलावे में, घर वाले के अलावा दिखा।